देखिए गाइज, इस क्वेश्चन को मैंने एलजेब्रा के सीरीज में भी आपको सॉल्व करना सिखाया था, और इसको आज फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर आपको मिलते हैं एग्जाम पेपर में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि इसमें दो ट्रिक्स एक टाइम पे यूज हो रही हैं, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको तीन नंबर्स हैं, उनका स्क्वायर दिया हुआ है और उनका समेशन कितना दिया हुआ है, जीरो। तो देखिए, इस पे मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया था कि देखिए, तीन नंबर्स जब भी आपको स्क्वायर हो, इवन एक नंबर से बात स्टार्ट करते हैं, अगर मुझे कहा गया हो कि ए का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी गिवन हो, जीरो, तो ए की वैल्यू हमेशा आपकी कितनी होगी, जीरो ही होगी, कुछ और नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ऐसा बोला जाए कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दो नंबर्स हैं, उनका समेशन जीरो हो, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किसी भी केस में स्क्वायर की वैल्यू आपकी निगेटिव तो आ नहीं सकती है, ठीक है। इसलिए ये हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। तो अगर इसकी वैल्यू मैंने कुछ भी, जीरो के अलावा कुछ भी मान ली, तो इन दो नंबर्स का समेशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। इट मींस कि दो नंबर्स अगर स्क्वायर के फॉर्म में लिखे हैं, तो उन दोनों नंबर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इस तरह से कितने भी नंबर्स लिखे हों, जैसे कि यहाँ पर तीन नंबर्स लिखे हुए हैं स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन तीनों नंबर्स की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2a-3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना है, 2a-3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, जीरो। तो इसको मैं हर बार जितने भी टर्म्स लिखे होते हैं, उन तीनों को मैं क्या करूंगा, जीरो के बराबर पुट कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3b+4 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी जीरो के बराबर, और 6c+1, इसकी भी वैल्यू किसके बराबर पुट कर दूंगा, जीरो के बराबर। तो इससे मुझे क्या मिल गया, ए की वैल्यू कितनी मिल गई, 3/2, बी की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, -4/3, और सी की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, -1/6, ठीक है। अब ये तो बात ठीक है, अब क्या मैं इस तीनों वैल्यूज को यहां पर इस पूरी इक्वेशन में पुट करूंगा? तो देखिए, बात यही पर है कि यहां पर भी एक और कॉन्सेप्ट आपका लगता है, जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन लिखा हो कि a³ + b³ + c³ - 3ab, तो इसके लिए एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये भी अलजेब्रा की सीरीज में बताया था। इसका क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है कि a³ + b³ + c³ - 3abc का फॉर्मूला होता है a+b+c, ब्रैकेट में आता है आपका a² + b² + c² - ab - bc - ca, ठीक है। ये एक आपका फॉर्मूला होता है a³ + b³ + c³ - 3abc का। तो देखिए, इसमें आपको क्या मिल रहा है, a+b+c मिल रहा है, ठीक है, a+b+c मिल रहा है मुझे। और देखिए यहाँ पर, अब आप इसको एक बार थोड़ा सा अगर सॉल्व करेंगे, तो इसको मैं समेशन करता हूँ, ये कितना लिखा हुआ है, 3/2 - 4/3 - 1/6। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, जब मैं इसको सम करता हूँ, तो एलसीएम 6 आ जाएगा। तो पहला वाला नंबर कितना बन जाएगा, 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 * 9, यहाँ पे माइनस इसको कितने बार, 2 बार, और यहाँ पर कितना, 1। तो देखिए, इन तीनों का समेशन मेरा कितना आ गया, 9 - 9/6, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0, ठीक है। यानी कि a+b+c की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 0। तो इस पूरे नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी, ठीक है। इट मीन्स कि जो ऊपर आपका नंबर लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी, ठीक है। तो ये पूरे नंबर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 / कुछ भी लिखा हुआ, उसकी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 0। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, कई बार इसका आंसर लड़के जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, 0 पुट कर देते हैं। तो देखिए, 0 नहीं आएगा, यहाँ पर आपसे पूछा गया है +3 की वैल्यू, ठीक है। तो ये टर्म पूरा मेरा कितना हो गया, 0 के बराबर। तो यहाँ पर जो +3 है, यही मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा, 3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है गाइज।